ब्रेकनंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. रिस्पॉन्सिबिलिटी हा भारतातील व्यवस्थापित क्लायमेट फंड आणि भारतीय NBFC इलेक्ट्रॉनिक्स फायनान्स लिमिटेड या दोन कंपन्यांनी भारतात प्रथमच ग्रीन मसाला ब्रँड सादर करण्यासाठी भागीदारी केली आहे. EFL तर्फे रुपयाधारी सिनियर सिक्युअर ब्रँड सादर करण्यासाठी आलं असून त्याचं मूल्य 10.6 लक्ष USD इतकं आहे. कार्बन पोर्टफोलिओ सक्षम करण्यासाठी EFL च्या परिचलनात वाढ करण्यासाठी हे फंड तयार करण्यात आले. द ग्रुप मॅन्युफॅक्चरिंग जर्नी स्टार्टेड विथ CNC वायर कट एंड EDM मशीन्स मॅन्युफॅक्चरिंग अँड दॅट वॉज व्हेरी लॉन्ग बॅक. बेसिकली हमारे प्रेस कॉन्फरन्स का आज का मेन टॉपिक था अबाउट द इश्युएंस ऑफ ग्रीन मसाला बॉन्ड. तो हमने ये RBI के अप्रूवल से एक ग्रीन मसाला बॉन्ड एक लग्जमबर्ग के इन्वेस्टर को इशू किया है. हमारी कंपनी एक अभी तक डोमेस्टिक लेवल पर हम लोग पैसा रेस करते थे बट बिकॉज हमारा जो कोर फोर्टे है वो ग्रीन इनिशिएटिव्स में ये हमारा माना जाता है एंड देयरफॉर वो उसके लिए क्वालिफाई हुआ. जब हमने एक लग्जमबर्ग बेस्ड इन्वेस्टर से जब हमने डिस्कशन स्टार्ट किया तो उन्होंने काफ़ी इसमें इंटरेस्ट दिखाया एंड उसके बाद यू नो हमने करीब 6 से 7 महीने तक टोटल इस पर काम किया. अराउंड इस पर बहुत सारा हमारी कंपनी के लिए क्रेडिट असेसमेंट हुआ और बिकॉज जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत कुछ इसके कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं और वो समझना चाहते हैं कि कंपनी का क्रेडिट प्रोफाइल क्या है, ओवरऑल प्रमोटर्स का क्रेडिट प्रोफाइल क्या है. तो मैं ये कहूँगा कि ये हम मार्च में आफ्टर RBI का अप्रूवल हमें लेना पड़ा इसके लिए बिकॉज ये पर्टिकुलर इश्यूएंस बहुत ही रेगुलेटेड तरीके से किया जाता है. तो हमें ये अराउंड 10 दिन इसको RBI के अप्रूवल को लेने के लिए लगे और उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट हमें पैसा हमारे अकाउंट में.